सा डीपली अंडरस्टैंड करना कि गाइस ये जो लीस्ट एंड सेट, ये जो दोनों इंटरफेसेस है, लीस्ट और सेट, इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट करने का ट्राई किया था, करेक्ट? सो लीस्ट और सेट को गाइस हम लोग प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि एग्जैक्टली लीस्ट क्या करेगा, एग्जैक्टली सेट क्या करेगा. ओके, एग्जैक्टली लीस्ट क्या करेगा, एग्जैक्टली सेट क्या करेगा. ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्टेड गाइस, लेट मी स्टार्टेड. सो स्पेसिफिकली गाइस, हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक लीस्ट का बनाएंगे और एक सेट का बनाएंगे और दोनों में डिफरेंशिएट करके देखेंगे. ओके, सो गाइस वन मोर पॉइंट, इफ आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस, इफ आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन कलेक्शन की हमने हायरार्की देखी थी. इस कलेक्शन हायरार्की को गाइस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं. दिस इज द हायरार्की, राइट एवरीवन? ये आपका सबसे पहले, ये जो कलेक्शन है, ये लीस्ट की कलेक्शन आपका तीन इंटरफेसेस में डिवाइड होता है, लीस्ट, क्यू और सेट, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. अगर गाइस मैं लीस्ट, क्यू और सेट, इन किसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ क्या? कैन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दीज इंटरफेसेस? डेफिनेटली नो, द आंसर इज नो. तो मुझे ऑब्जेक्ट अगर लिस्ट का बनाना है तो एरे लिस्ट का बनाना पड़ेगा, लिंक लिस्ट का बनाना पड़ेगा, या तो वेक्टर का बनाना पड़ेगा, या फिर मैं स्टैक का भी कर सकता हूँ. सिमिलरली गाइज, आप प्रायोरिटी क्यू क्यू का अगर करना चाहते हो तो प्रायोरिटी क्यू का कर सकते हो. डी क्यू इंटरफेस का करना है तो आप लिंक लिस्ट या फिर एरे डी क्यू से कर सकते हो. सेट के लिए आप हैश सेट या फिर लिंक्ड हैश सेट कर सकते हो. सॉर्टेड सेट के लिए आप ट्री सेट कर सकते हो. सेम गोज टू योर मैप. बट गाइस हम लीस्ट और सेट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लीस्ट में से गाइस हम लोग एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरा हम लोग सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि हैश सेट का रहेगा. ठीक है एवरीवन, लेट्स डू इट. सो यहाँ पर गाइस मैं एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. तो एरे लिस्ट गाइस, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स आपको बस फॉलो करना है. एरे लिस्ट क्या है गाइस? ये मेरा क्लास नेम है. यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस आ जाएगा, इक्वल्स टू न्यू. यहाँ पर क्या रहेगा गाइस? यहाँ पर रहेगा आपका एरे लिस्ट, करेक्ट एवरीवन? लाइक दिस यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. आप एरे लिस्ट को इम्पोर्ट कर दो. इम्पोर्ट करते टाइम वेरीफाई करो कि ये जावा डॉट यूटिल से ही इम्पोर्ट हो रहा है. आप गाइज इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, अगर आप चाहते हो, आप एरे लिस्ट को अपकास्ट कर दो इन साइड योर लिस्ट ऑब्जेक्ट. तो इंस्टेड ऑफ दिस एरे लिस्ट गाइज, आई कैन सी हियर कि मैं लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. I'm saying, guys, कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है. अगेन आपको एरे लिस्ट का बनाना है, योर चॉइस गाइस. यू कैन क्रिएट एरे लिस्ट टाइप का भी, बट फिलहाल हम लोग गाइस लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. मैं एरे लिस्ट, इन शॉर्ट, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बट उसको मैं कास्ट किसके साथ कर रहा हूँ गाइस? आई एम डूइंग इट विद लिस्ट. क्यों? क्योंकि गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि वॉट एग्जैक्टली द लिस्ट इज. नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग खुद एरे लिस्ट और खुद हैश सेट को डिफरेंट देखेंगे, बट आज एटलीस्ट लीस्ट इंटरफेस और सेट इंटरफेस का जो डिफरेंस है, इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, विच इज मेजर गाइस, विच इज मेजर आर टास्क टुडे. ओके, सो मैंने एक लीस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया गाइस. सिमिलर वे मैं कौन सा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ गाइस? लेट मी डू इट फॉर हैश सेट. ठीक है गाइस, मैं हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ. तो यहाँ पर गाइस मैंने ये हैश सेट का भी ऑब्जेक्ट बना लिया. कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? सेम वे गाइस, हैश सेट को मैं कास्ट कर देता हूँ सेट में, चलेगा ना गाइस? हैश सेट को मैंने कास्ट कर दिया, अपकास्ट कर दिया इनसाइड द सेट, चलेगा गाइस? कोई प्रॉब्लम किसी को? अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना गाइस? ये दो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए हैं, एक मैंने लिस्ट का बनाया और दूसरा किसका बनाया गया. इन शॉर्ट, मैं एरे लिस्ट का बना रहा हूँ जिसको कास्ट कर रहा हूँ लिस्ट में, हैश सेट का बना रहा हूँ जिसको मैं कास्ट कर रहा हूँ सेट में, राइट एवरीवन? लेट्स डू इट गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड. अभी गाइस मुझे इस कलेक्शन में ये जो ये एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट के अंडर कोई डेटा ऐड करना है गाइस. आई नीड टू ऐड द डेटा. तो डेटा ऐड करने के लिए आपको मेथड कौन सी प्रोवाइडेड है डेटा ऐड करने के लिए गाइस? देयर इज ऐड मेथड. कैन यू सी एवरीवन ऐड मेथड, जिसके अंडर ऑब्जेक्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड होता है, ये हमने देखा है राइट गाइस इन प्रीवियस लेक्चर रिलेटेड टू कलेक्शन. आई होप पता होगा आपको गाइस. सो ये मैं ऐड करूंगा गाइस. फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैंने यहाँ पर डेटा ऐड किया. लेट्स से मैं पहला डेटा ऐड कर रहा हूँ गाइस, आई एम एडिंग इंटीजर टाइप का डेटा. लेट्स से 127, ये मेरी वैल्यू है गाइस, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है. ए एल डॉट गाइस मैं ऐड कर रहा हूँ. मैं गाइस दूसरा डेटा ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ. दूसरा डेटा ऐसा है गाइस, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम गाइस आई एम गोइंग टू ऐड अ कैरेक्टर टाइप का डेटा. मैं ये एट द रेट वाला वैल्यू ऐड कर रहा हूँ गाइस, आई एम एडिंग दिस एट द रेट सिंबल. ठीक है गाइस, मैं नेक्स्ट टाइम डेटा ऐड कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गाइज मैं फ्लोट टाइप का डेटा ऐड कर रहा हूँ गाइज, 3.14F मैंने फ्लोट टाइप का डेटा ऐड कर दिया गाइज. ओके, देन नेक्स्ट टाइम लेट्स से गाइज मैं ए एल डॉट
डॉट गाइज, लेट्स से मैं बूलियन टाइप का डेटा ऐड कर देता हूँ गाइज, विच इज नथिंग बट फॉल्स या फिर ट्रू कर सकता हूँ। लेट मी डू वन मोर थिंग गाइज, मैं डबल टाइप का डेटा ऐड करता हूँ, लेट्स से 55.77 ये वाला डेटा मैंने ऐड कर दिया। लेट मी ऐड गाइज वन मोर थिंग, लेट्स से गाइज मैं एक स्ट्रिंग भी ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से स्ट्रिंग का नाम है हेलो, ये हेलो गाइज, इतना मैंने डेटा ऐड कर दिया। ये सारा डेटा मैंने किस में ऐड किया है गाइज, एवरीथिंग इज एडेड इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, ए एल ऑब्जेक्ट जो कि एरे लिस्ट टाइप का है। अभी मैं इसको प्रिंट करने जाता हूँ गाइज, मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए एल डॉट गाइज, मैं ए एल डॉट सॉरी व्हाट आई डू, मैं डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे गाइज, मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैं इस ए एल को प्रिंट करता हूँ, आई एम प्रिंटिंग दिस ए एल, मैं इस ए एल को प्रिंट कर रहा हूँ। इसको पहले रन करके देखते हैं, लेट्स रन दिस कोड गाइज, सिंपली लेट्स रन दिस कोड। हियर गाइज यू कैन सी जो मैंने डेटा ऐड किया 127 एट द रेट 3.14 फॉल्स 55.77 और हेलो, ये सारा का सारा डेटा मेरे गाइज यहाँ पर, हियर यू कैन सी राइट, जो गाइज मेरा कलेक्शन है एरे लिस्ट टाइप का, इसमें सारा डेटा ऐड हो चुका है, यस और नो, डेटा गाइस सारा डेटा ऐड हो चुका है, यस और नो एवरीवन। अच्छा गाइस, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे देखो, लीस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मैंने डेटा ऐड किया है उसी ऑर्डर में डेटा यहाँ पर दिख रहा है आपको कि नहीं, यस और नो, द ऑर्डर इन विच आई हैव एडेड दिस डेटा, यही सेम डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, करेक्ट करेक्ट एवरीवन, सेम गाइस सेम डेटा, आई एम गोइंग टू ऐड द सेम डेटा, बट दिस टाइम गाइस मैं ये डेटा किस में ऐड करूंगा, आई एल ऐड इट इन अ हैसेट गाइस, मैं हैसेट में ऐड करूंगा, सो जहां पर भी ए एल है वहां पर मैं हैसेट गाइस, मैं यहां पर हैसेट करता हूं, आई एम एडिंग दिस दिस वन गाइस, मैं हैसेट को ऐड करने का ट्राई कर रहा हूं गाइस, हियर आई एम एडिंग द हैसेट, ओके ये मैं गाइस हैसेट को ऐड कर रहा हूं, दीज आर माई हैसेट एवरीवन, ये मेरा हैसेट है, ओके। नाउ लेट मी डू वन थिंग गाइस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, लेट मी प्रिंट हैसेट एवरीवन, मैं यहाँ पर जाके हैसेट प्रिंट कर रहा हूँ। इफ यू वॉन्ट गाइस, इफ यू वॉन्ट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक लाइन सेपरेशन बना देते हैं जिससे हमें अंडरस्टैंड हो। लेट मी रन द कोड गाइस, हियर यू कैन सी गाइस, मैंने दोनों चीज़ों को ऐड किया, एक मैंने लिस्ट में भी डेटा ऐड किया, मैंने हैसेट में भी डेटा ऐड किया, मैंने लिस्ट को प्रिंट किया तो गाइस दिस इज माय लिस्ट, और गाइस मैंने सेट को भी डेटा ऐड किया और सेट को भी प्रिंट किया, गाइस सेट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो रहा है क्या, यू हैव टू टेल मी गाइस, एनी काइंड ऑफ इंसर्शन ऑर्डर इज मेंटेन गाइस, सेट में यहाँ पर रहा आपका सेट और ये रहा आपका अरे लिस्ट, सेट में गाइस जिस ऑर्डर में मैंने डेटा ऐड किया है उस ऑर्डर में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है क्या आपके डेटा का, इज इट रियली गाइस, इज इट रियली मेंटेन, नो राइट, दिस इज द डिफरेंस, सेट कैन नॉट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर एंड लिस्ट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको गाइस, एवरीवन इज दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस इज द डिफरेंस गाइस, जहां पर आपको इंसर्शन ऑर्डर गाइस आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इंसर्शन ऑर्डर जिस डेटा में डेटा ऐड हुआ है उसका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है और आपको कलेक्शन ही चाहिए, तो कौन से टाइप का कलेक्शन यूज करोगे आप, लिस्ट करोगे कि सेट करोगे, डेफिनेटली लिस्ट यूज करना पड़ेगा ना गाइस, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है तो लिस्ट ही करना पड़ेगा ना कि नहीं, यस और नो गाइस, आपका अगर रिक्वायरमेंट हुआ इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, इंसर्शन ऑर्डर नहीं मेंटेन करना, हाँ तो करो गाइस सेट यूज करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस यस सचिन करेक्ट क्लियर है, ओके 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 गाइस एवरीवन, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको लीस्ट और सेट में समझना पड़ेगा गाइस, दूसरा हम लोग दूसरा पॉइंट अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, डुप्लीकेट डेटा कैन बी एडेड हियर, और इसमें सेट में डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकते, देख लेते हैं गाइस बोलना एग्जैक्टली कहना क्या है इनका, सो गाइस हियर मैं ए एल डॉट गाइस मैं ए एल डॉट ऐड कर रहा हूँ, अगेन गाइस मैं हेलो नाम का डेटा ऐड कर रहा हूँ, हेलो डेटा डुप्लीकेट है कि नहीं गाइस, यस और नो, इज दिस अ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट और नॉट, ये डेटा डुप्लीकेट है कि नहीं है, यस और नो, यस यस
गाइस सेम वे आई एम डूइंग इट हियर एज वेल. हैसेड डॉट एड इस एड के अंडर गाइस आई एम गोइंग टू डू व्हाट. सिमिलरली गाइस मैं यहां पे हेलो ऐड कर देता हूं. दोनों डेटा गाइस मैंने ऐड किया. अभी आप देखो गाइस आई एम रीरनिंग द कोड. तो डुप्लीकेट डेटा ऐड हो रहा है कि यू हैव टू टेल मी. सेट में डुप्लीकेट ऐड हो रहा है क्या और लिस्ट में डेटा ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट यू नीड टू वेरीफाई एंड यू नीड टू टेल मी गाइस कहां पर डुप्लीकेट डेटा ऐड हुआ. सेट लिस्ट में, लिस्ट में डुप्लीकेट डेटा ऐड हुआ ना गाइस फर्स्ट वाला. एवरीवन लिस्ट में डुप्लीकेट डेटा ऐड हुआ. सेट में डुप्लीकेट डेटा ऐड हुआ क्या गाइस यहां पर? नो नो, दिस इज द डिफरेंस गाइस. ये आपका लिस्ट और सेट का डिफरेंस है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये सेकंड पॉइंट गाइस. नाउ गाइस इनका कहना क्या है, अगर एक और डिफरेंस अगर आप देखोगे, मल्टीपल नल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड. यहाँ पर आपके मल्टीपल नल वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, बट सेट के अंडर कितने नल वैल्यू स्टोर हो सकते हैं? ओनली सिंगल. देख लेते हैं गाइस इसको भी. सो मैं यहाँ पर नल डेटा ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस. मैं आई एम गोइंग टू ऐड द नल वैल्यूज गाइस. मैं यहाँ पर नल डेटा ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ. सो दिस इज नल गाइस, सॉरी ये स्ट्रिंग डेटा हो जाएगा. आई नीड गाइस नल टाइप का डेटा. नल मतलब एम्प्टी, करेक्ट एवरीवन? एम्प्टी नल जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है. और मैं मल्टीपल नल वैल्यूज ऐड करने का ट्राई कर रहा हूं गाइस. आई एम एडिंग द मल्टीपल नल वैल्यूज हियर. सिमिलरली गाइस लेट मी ऐड इट इन द सेट एज वेल. बट सेट में ऐड करने के लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? सेट का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, व्हिच आई एम डूइंग इट हियर गाइस एवरीवन. सो ये रहा मेरा हैसेट डॉट ऐड, हैसेट डॉट ऐड, हैसेट डॉट ऐड. सिमिलरली गाइस मैंने यहां पर भी कर लिया. लेट मी रीरन द कोड एंड चेक गाइस. चेक कि लिस्ट में एम आई एबल टू ऐड मल्टीपल नल वैल्यूज और नॉट. यस और नो? यस. मल्टीपल नल वैल्यूज ऐड गाइस. तो नल भी एक वैल्यू है ना, भले वो एम्प्टी हो बट एक वैल्यू है कि नहीं है गाइस? यस और नो? सेट में डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं हो सकता बट एरे लिस्ट में हो सकता है. तो आप मल्टीपल नल वैल्यूज यहां पर ऐड कर सकते हो. जितना आपको चाहिए उतना मल्टीपल नल वैल्यूज आप एरे लिस्ट में ऐड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. बट गाइस सेट में आप नल वैल्यू कितने बार ऐड कर सकते हो गाइस? ओनली वंस, सिंगल वन. ठीक है, इससे ज्यादा आप नल वैल्यू ऐड नहीं करोगे, क्योंकि नल वैल्यू ऐड करने जाओगे तो उसका प्रॉपर्टी जो डुप्लीकेट डेटा ऐड नहीं होता है वही यहाँ पर गाइस इम्प्लीमेंट हो जाएगा. क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन क्लियर हो रहा है? नाउ गाइस यहाँ पर मैं जो डेटा ऐड कर रहा हूँ गाइस, एएल डॉट, मैं कौन सी मेथड कॉल कर रहा हूँ गाइस? आई एम कॉलिंग द ऐड मेथड. ये ऐड मेथड जिसमें ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड है, ये वाली मेथड कौन सी है गाइस? ये मेथड कलेक्शन से आने वाली मेथड है. ये सुन लो गाइस, ये वाली ऐड मेथड ये हमने कलेक्शन इंटरफेस में देखी थी कि नहीं देखी थी? ये सुनो yes. तो ये कलेक्शन वाली मेथड है. और दूसरी वाली गाइस ऐड मेथड दिख रही है आपको यहां पर? कैन यू सी दिस ऐड मेथड? दिख रही है गाइस ऐड मेथड? अब ये दूसरा वाला जो ऐड मेथड है गाइस, इसमें दो आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड है. पहला इंटीजर इंडेक्स और दूसरा ऑब्जेक्ट एलिमेंट. आप इंडेक्स स्पेसिफाई करो और आप ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करो, उस इंडेक्स पे डेटा ऐड हो जाता है गाइस. ओके, ये एक ऐड मेथड है. दिस इज अनदर ऐड मेथड. आप जाके वेरीफाई कर लो. आप जाके गाइस वेरीफाई कर लो इसमें हैश सेट में क्या आपको ऐड की गाइस, ऐड टाइप की कोई इंडेक्स वाली जो आर्ग्यूमेंट इंडेक्स एक्सपेक्ट करती है, इंडेक्स वाली कोई ऐड मेथड अवेलेबल है क्या डेटा ऐड करने के लिए गाइस? नहीं है ना गाइस? यस और नो? इज इट देयर और नॉट? नॉट. इज इट देयर और नॉट? ये नहीं है गाइस, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर अस. व्हाई गाइस? जाके देख लो, ये लिस्ट है आपका गाइस, ये है लिस्ट आपका और ये कौन सा है गाइस? दिस इज योर सेट. लेट्स ओपन बोथ द गाइस, बोथ द कॉन्सेप्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं. फिलहाल के लिए गाइस मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ. यहाँ पर गाइस आप ऐड मेथड को जाके देखोगे, इफ यू गो एंड इफ यू चेक गाइस, ये ऐड मेथड ये कहाँ से आ रही है? This is coming from your collection only, guys. ये आपके collection से ही आ रहे. कैसे? I'll tell you here. Guys, public interface set extend किसको कर रहा है ये? Collection को कर रहा है. Similarly, guys, list, public interface list जो कि extend कर रहा है collection को. Now go here, guys. आप यहाँ पर जाओ और add method को जाके देखो, guys. ये add method कहाँ से आ रही है?
ये वाली तो कलेक्शन वाली जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड गाइस यहाँ पर आपको एड गाइस एड टाइप की एक और मेथड मिलेगी विच आई टेल यू गाइस हियर। वहां पर गया गाइस क्लियर इक्वल हैश कोड गेट सेट ओके। कैन यू सी दिस मेथड गाइस वॉइड एड मेथड, कैन यू सी दिस वन गाइस राइट। आप यहाँ पर फाइंड आउट भी कर सकते थे, आप गाइस एड नाम का मेथड भी फाइंड आउट कर सकते थे, यू कुड हैव फाइंड इट आउट राइट। सो गाइस ये रही फर्स्ट मेथड और ये रही आपकी सेकेंड मेथड, सॉरी नॉट दिस वन, ये रही आपकी सेकेंड मेथड जो कि इंडेक्स टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करती है। ये कहाँ पर मिल रही है आपको? दिस इज अवेलेबल इन द लिस्ट, बट क्या ये सेट में अवेलेबल रहेगी गाइस? क्या ये अवेलेबल रहेगी? फाइंड इट आउट कर लो फाइंड गाइस। ये रही फर्स्ट, है क्या अवेलेबल गाइस? एड नाम की दूसरी मेथड जिसमें इंडेक्स टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है वो अवेलेबल है क्या गाइस? कभी नहीं होगी, क्योंकि गाइस ये पॉइंट आपको अभी समझ जाएगा, क्योंकि सेट डेटा को ऐड करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता है? इट यूजेस हैश कोड कॉन्सेप्ट, जो कि गाइस जो कि आपको अवेलेबल किसने करके दिया है? वो आपको अवेलेबल करके दिया है कलेक्शन इंटरफेस ने। जो कलेक्शन इंटरफेस में ऐड मेथड है गाइस, द मेथड विच इज अवेलेबल फॉर एडिंग द एलिमेंट इन टू कलेक्शन, वही सेम मेथड आपकी सेट में भी अवेलेबल है। एग्री एग्री गाइस? यस और नो? यही सेम कलेक्शन की मेथड ऐड वाली गाइस लिस्ट के अंडर भी अवेलेबल है, करेक्ट? मैं राइट है वो ये गाइस? यस और नो? ऐड वाली मेथड सेट में भी है और लिस्ट में भी है, वैसे ही क्यू में भी रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। बट लिस्ट में गाइस डेटा ऐड करने के लिए देयर इज अनदर मेथड, जो कि गाइस कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करती है? द एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट इज गाइस, आप यहां पर al डॉट गाइस ऐड मेथड को देखो, ये इंडेक्स आप इंडेक्स स्पेसिफाई करो। क्यों गाइस? क्योंकि सिंपली लिस्ट इंटरनली कौन सा कांसेप्ट यूज करता है? इंडेक्सिंग कांसेप्ट सेट करता है क्या? सेट करता है क्या? अगर नहीं करता तो वहां पर वो मेथड आपको नहीं मिलेगी। तो इंडेक्सिंग से डेटा ऐड करने की ऑब्जेक्ट ऐड करने वाली मेथड आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिलेगी? लिस्ट, सिर्फ लिस्ट इंटरफेस में मिलेगी। क्या ये कलेक्शन में मिलेगा क्या आपको गाइस? क्या ये फीचर आपको कलेक्शन इंटरफेस में मिलेगा क्या? नो no. कलेक्शन आपको डेटा ऐड करने के लिए कौन सी वाली मेथड, ऐड वाली जो मेथड है वो हैश कोड फॉर्मेट से वर्क होने वाली मेथड आपको प्रोवाइड करता है, विच इज अवेलेबल इन लिस्ट एज वेल। बट लिस्ट विल गिव यू एडेड एडवांटेज बिकॉज वो इंटरनली इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करता है। क्लियर एवरीवन? दिस हैज टू बी वेरी क्लियर, दिस हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर गाइस। एक्चुअली आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ गाइस आई विल शो यू दैट मेथड एज वेल, एल डॉट ऐड गाइस। अगर मुझे मुझे कोई डेटा स्पेसिफिकली इंडेक्स पे ऐड करना है, लेट्स से मुझे गाइस ये जीरोथ इंडेक्स रहेगा, ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, लेट्स से गाइस मुझे सेकंड इंडेक्स पे डेटा ऐड करना है, आई नीड टू ऐड सेकंड इंडेक्स पे गाइस मुझे डेटा ऐड करना है, और कौन सा डेटा ऐड करना है? फॉर एग्जांपल गाइस मुझे डेटा ऐड करना है, मुझे एक स्ट्रिंग ऐड करना है एरे लिस्ट। ये स्ट्रिंग है ना गाइस? यस और नो? इज दिस अ स्ट्रिंग और नॉट? यस और नो? ये मैं ऐड करना चाहता हूँ कौन से इंडेक्स पे? सेकेंड इंडेक्स पे। तो क्या होना चाहिए गाइस, क्या होना चाहिए? अगर मैं सेकेंड इंडेक्स पे डेटा ऐड करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? लेट्स फाइंड इट आउट क्या हो रहा है गाइस। आप अपना आंसर अपने माइंड में बना ही लिए होंगे, देख लेते हैं वैसे ही हो रहा है क्या गाइस। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? द प्रॉब्लम इज दिस वन, इसको हटा देते हैं। लेट्स रन दिस कोड वंस अगेन एंड देख लो गाइस। यहाँ पर गाइस ये इंडेक्स जीरो, इंडेक्स वन और इंडेक्स टू पे जो मेरा गाइस जो मेरा स्ट्रिंग था, न्यू डेटा था, वो एग्जैक्ट पोजीशन पे ऐड हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? एंड रेस्ट ऑफ द डेटा गाइस, जो इंडेक्स टू पे डेटा था वो एक इंडेक्स आगे शिफ्ट हो गया, शफल हो गया? यस और नो? यस और नो गाइस एवरीवन? अभी अगर गाइस मैं ऐसे कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट लाइक दिस, एल डॉट मैं ऐड कर रहा हूँ गाइस, मैं अगेन सेम इंडेक्स देने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस, आई एम गिविंग द सेम इंडेक्स, और इस इंडेक्स पे गाइस मैं डेटा दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग गाइस, मैं बोल रहा हूँ लेट्स से मैं बुलियन डेटा दे रहा हूँ गाइस, आई एम गिविंग दिस थ्रू डेटा, और कौन से इंडेक्स पे दे रहा हूँ गाइस? अगेन मैं थ्रू सेकेंड इंडेक्स पे दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक?
क्या होना चाहिए गाइस, व्हाट डू यू थिंक? क्या हुआ गाइस, दोनों भी सेम इंडेक्स पे स्टोर हुए कि नहीं हुए? यस और नो? बट आप मुझे लिटरली बताना गाइस, ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स पे ऐड कौन हुआ? ट्रू ट्रू, बरे एरे लिस्ट ये भी आपने सेकंड इंडेक्स पे दिया था, बट ये कौन सा इंडेक्स है? ये कौन सा इंडेक्स है? टू है कि थर्ड है? थर्ड है, थर्ड। क्यों? सिंपली जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप अगर गलती से डुप्लीकेट इंडेक्स देते हो तो ऐसा नहीं कि आपका डेटा ऐड नहीं होगा, आपका डेटा ऐड होगा। अगर आपका डुप्लीकेट इंडेक्स आ जाता है तो इंटरनली फिर वो हैश कोड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये हैश कोड का फॉर्मेट है गाइस। इस ऑर्डर में मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ, बट हाईएस्ट प्रायोरिटी इसने कैरेक्टर को देखा। अगर कैरेक्टर पहले रहेगा वो कैरेक्टर को लेगा, उसके बाद गई बाद वो कैरेक्टर के बाद गई वो नल डेटा को लेगा, उसके बाद वो किसको लेगा? इट विल कंसिडर द स्ट्रिंग, फिर वो गाइज आपका बुलियन डेटा देखेगा। लाइक दिस गाइज, इस तरीके से आपका हैश ऑर्डर है। तो उस केस में आपका हैश कोड का जो ऑर्डर होगा, उस केस में जो डेटा रहेगा उसको फर्स्ट लेगा, जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी वो पहले आएगा और बाकी का डेटा शिफ्ट हो जाएगा। दिस वॉज एग्जैक्टली आई मीन दिस इज गोइंग टू हैपन इन योर केस ऑफ लीस्ट। ये आपके लिस्ट में होगा। क्लियर है गाइस एवरीवन? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? एटलीस्ट गाइस बेसिक फंडामेंटल जो था, ये डिफरेंस जो था, ये क्लियर हुआ सबको? एवरीवन? यस एवरीवन, ये सबको क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम लोग ऑटोमेशन में हमें कुछ सिनेरियो आएंगे, जब भी हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे, तब कोई गई समय हमारा सिनेरियो आता है और सिनेरियो में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, तो डेफिनेटली हमें कलेक्शन यूज करना है। तो उस कलेक्शन में हम लीस्ट यूज करें कि हम लोग सेट यूज करें, ये आपको डिसाइड करना है। और कैसे डिसाइड करोगे आप? ये इनके जो गाइज, ये इनके जो पॉइंटर्स हैं, इनके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है वेदर यू वॉन्ट टू गो अहेड विथ लीस्ट और सेट। आप दोनों दोनों में से कोई भी यूज करो, अल्टीमेटली आप सेम ऑपरेशन ही करने वाले हो। क्लियर गाइस सबको? एवरीवन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है गाइस? ओके, नाउ गाइस हम डिस्कस करते हैं आज रिलेटेड टू लीस्ट। गाइस हमें रिलेटेड टू लीस्ट थोड़ा डिस्कशन करना है। अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा तो हम लोग लीस्ट के ऊपर चले जाएंगे गाइस, हम लीस्ट के ऊपर चले जाएंगे। बिफोर दैट गाइस लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कवर अप हियर क्यू एज वेल। हम क्यू इंटरफेस को भी देख लेते गाइस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके प्रस्पेक्टिव से गाइस। क्यू इंटरफेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई विल गिव यू सिंपल सा आइडिया गाइस। यहाँ पर क्यू इंटरफेस का सिंपल सा आइडिया मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्यू है गाइस, लेट्स क्रिएट हियर गाइस। आप मुझे बताओ कलेक्शन में क्यू भी आता है कि नहीं आता? कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट क्यू आता है कि नहीं आता? यस और नो? Yes. आता है, राइट? सो गाइस इसमें क्या डिफरेंस है? तो आपके लिस्ट में ये इंपॉर्टेंट गाइस, इंटरव्यू में आपको कोई जाके पूछेगा नहीं कि आप मुझे क्यू का और सेट का डिफरेंस बताओ, क्यू का और एरे लिस्ट का डिफरेंस बताओ। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या आएगा? लिस्ट में और सेट में डिफरेंस बताओ। क्योंकि गाइस ऑटोमेशन में या तो आप लिस्ट यूज करते हो या तो सेट करते हो। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि क्यू नहीं यूज होता, मैंने खुद ने नहीं देखा गाइस। अनलेस एंड अंटिल उतना आपका वैसा एप्लीकेशन नहीं रहेगा जहां पर आपको क्यू इम्प्लीमेंटेशन किया है आपके डेवलपर ने, अगर नहीं किया है तो गाइस आप ऑटोमेशन में उस सिनेरियो का यूज भी कैसे करोगे? ये थोड़ा सा वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, बट ठीक है गाइस, किसी एप्लीकेशन में हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, हो सकता है शायद मैंने नहीं यूज किया, इट डजंट मीन कि आप नहीं यूज करोगे, शायद यूज भी हो सकता है। तो सिमिलरली ये वर्क करेगा। तो क्यू कैसे वर्क करता है गाइस? क्यू सिंपली आप याद रखना, क्यू जो इंटरफेस है, क्यू इंटरफेस, लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट हियर गाइस। सेम ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो गाइस आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा गाइस, बट दिस टाइम। तो हम क्यू का गाइस कौन सा क्लास सिलेक्ट करेंगे? एक प्रायोरिटी क्यू है और एक एरेडी क्यू है। सो फॉरगेट अबाउट दिस एरेडी क्यू गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रायोरिटी क्यू। तो गाइस हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रायोरिटी क्यू गाइस। मैं प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, लेट्स से पी क्यू। प्रायोरिटी क्यू इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी
गाइस यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये रहा गाइस मेरा प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, लेट मी इंपोर्ट द प्रायोरिटी क्यू। गाइस यहाँ से मैं प्रायोरिटी क्यू को कास्ट कर दूंगा, अपकास्ट कर दूंगा इन योर क्यू इंटरफेस, जिसको मैं जावा डॉट यूटिल से इम्पोर्ट करूंगा। नाउ गाइस सेम वे पी क्यू के अंडर गाइस पी क्यू डॉट आई एम गोइंग टू एड द डेटा। नाउ गाइस हियर आपके पास इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट वाली एड मेथड है क्या? डू यू हैव दैट गाइस? नो राइट? तो ये एड वाली कौन सी मेथड है गाइस? ये एड वाली कौन सी मेथड है? ये क्यू वाली मेथड रहेगी कि ये कलेक्शन वाली रहेगी? व्हाट डू यू थिंक? ये एड जो मेथड है ये कलेक्शन इंटरफेस ने प्रोवाइड की है कि लीस सॉरी क्यू इंटरफेस ने प्रोवाइड करी है? गाइस किसने किया? क्यू ने नहीं किया है ना। ये एड मेथड कहाँ से आ रहा है? एड मेथड किसका है जिसमें ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड है? ये कलेक्शन का है ना, जो हमने सैटरडे को देखा था, डे बिफोर यस्टरडे देखा था। ये एड मेथड कलेक्शन का है जो कि लिस्ट में भी है, क्यू में भी जाता है और सेट में भी जाता है। करेक्ट? यस और नो? राइट। तो ये वाला जो एड मेथड है, ये वाला एड मेथड जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट है, वो ना ही लिस्ट का है, ना ही सेट का है, ना ही क्यू का है। ये किसका है? ये मेथड है आपके कलेक्शन इंटरफेस। राइट गाइस? मेक सेंस गाइस? यहाँ पर मैंने सेम डेटा 127 ये वाला डेटा मैंने ऐड कर दिया, ये वाला मैंने डेटा ऐड कर दिया, ठीक है गाइस? यहाँ पर लेट मी डू इट गाइस, लेट मी डू वन थिंग। मैं यहाँ पर ये सारा जो गाइस पॉइंटर्स है, ये सारा पॉइंटर्स मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है? लेट मी डू इट हियर एज वेल गाइस। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पी क्यू को एच एस को पी क्यू से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? ऑलराइट गाइस, सो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू। ऑलराइट गाइस, एंड द नेक्स्ट थिंग गाइस, मैं जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं जाके गाइस इस वाले प्रायोरिटी क्यू को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। लेट मी गो हेड, लेट मी रन दिस कोड एज अ जावा एप्लीकेशन। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट टू जावा लैंग कैरेक्टर। वेयर आई एम स्टोरिंग गाइस, कैरेक्टर कहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ? ओके जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी सिंपली गाइस लेट मी कमेंट दिस लाइन, ठीक है? लेट मी रन दिस कोड एज अ जावा एप्लीकेशन। कि ये कहाँ पर दे रहा है? कैन नॉट इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट टू फ्लोट, लाइन नंबर 49, लाइन नंबर 49 गाइस। ओके, कैन नॉट बी एडेड टू द फ्लोट, आई थिंक दिस वन। ये फ्लोट भी नहीं ऐड कर पा रहा है, ठीक है गाइस? लेट्स रन द कोड वंस अगेन। फिर से गाइस हमें क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है। दिस टाइम इट इज सेइंग दैट लाइन नंबर 43 कंपेयर टू बुलियन कैनॉट ऐड द बुलियन गाइस। ये बुलियन टाइप का डेटा ऐड नहीं कर पा रहा है दिस वन। सो गाइस दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी इरिटेटिंग, राइट गाइस? ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम मिल जाएगा। सो दिस वन गाइस सिंपली व्हाट आई विल डू, आई सिंपली गाइस मैं यहाँ पर सारा जो डेटा है मेरा, इस डेटा को मैं कमेंट कर देता हूँ। इतना ही डेटा मैं रन करके दिखाता हूँ, लेट मी डू इट। नाउ ये 127 डेटा ऐड हुआ कि नहीं हुआ गाइस? यस और नो? डेटा इज गॉट एडेड, करेक्ट? नाउ गाइस वन बाय वन इस डेटा को ऐड करने जाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप खुद देख लेना। व्हाट इज द प्रॉब्लम गाइस? यहाँ पर एक प्रॉब्लम है गाइस, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपका कन्वर्जन का गाइस यूजुअली इशू रहता है, यूजुअली आपको यहाँ पर कन्वर्जन का इशू आता है। स्टिल इफ यू वांट गाइस हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डू इट लाइक दिस, और फिर आपको रन करके मैं दिखा देता हूँ क्या हो रहा है गाइस। यहाँ पर अगेन यू आर गेटिंग द सेम थिंग गाइस। एक मैं यहाँ पर एक और बात कर सकता हूँ कि दैट आई कैन अपकास्ट इट इनटू द कलेक्शन इंटरफेस, एंड यहाँ पर गाइस कलेक्शन इंटरफेस को हम लोग ऐड करने के बाद रन करके देखते हैं। नाउ ऑब्जर्व इट गाइस, स्टिल यू हैव द सेम इशू। तो ये आपको क्यू के साथ गाइस इशू रहता है, डेफिनेटली रहता है। तो इसके लिए आपको क्यू का अंडरस्टैंडिंग पहले करना पड़ेगा गाइस। ये कास्टिंग का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि गाइस देखो, क्यू का जो इंटरनल वर्क रहता है वो कैसे रहता है गाइस? इंटरनली आपका क्यू कुछ ऐसा रहता है गाइस, जैसे आप लाइन बाय लाइन गाइस कुछ
चीजों को, जैसे आप ऐसे सोचो कि आप रेलवे काउंटर पे हो गए, टिकट काउंटर पे हो, इस तरीके से आप जो डेटा ऐड कर रहे हो, आई मीन गाइस समझो कि ये स्लॉट है, ये आपके स्लॉट है, दीज आर योर स्लॉट, ठीक है। तो गाइस आपका जो डेटा ऐड होता है, हमेशा डेटा कौन से एंड से ऐड होता है, ये आपका ये रहता है गाइस आपका रियर एंड, दिस इज योर रियर एंड, ठीक है, ये आपका रियर एंड रहता है, और ये रहता है गाइस दिस इज योर फ्रंट एंड, ये आपका फ्रंट एंड रहता है। तो यहाँ पर एक क्यू में एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रंट और रियर, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, बाद में देखेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा। तो आपका डेटा गाइस जब ऐड करोगे, आपका डेटा यहाँ पर है, योर डेटा इज समवेयर हियर, आपका ये जो 127 डेटा है ये यहाँ पर है। अगर आप नेक्स्ट वाला डेटा ऐड करोगे जो कि गाइस ये आप कर रहे हो, और इस पोजीशन पे गाइस ऑलरेडी 127 डेटा है, तो पहले आपको ये डेटा गाइस नेक्स्ट स्लॉट पे मूव करना पड़ेगा कि नहीं, ये सुनो, ये सुनो, दिस इज व्हाट गाइस आपका क्यू का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग इन फ्यूचर समझेंगे, आने वाले टाइम में समझेंगे, ओके। ये क्यू इंटरफेस को हम लोग आगे जाके समझेंगे, बट गाइस आप सिंपली फिलहाल अगर आपको क्यू समझना ही है तो आई कैन गिव यू वन अश्योरिटी हियर, क्यू को बोला जाता है गाइस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले क्यू में आएगा, द फर्स्ट विच इज केम इनसाइड फर्स्ट, वही फर्स्ट बाहर भी जाएगा, यस और नो एवरीवन, यस और नो। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसके कुछ एल्गोरिथम्स आते हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट है गाइस, आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम इन टू दिस गाइस, आपको क्यू समझने में उतना टाइम इन्वेस्ट करना ऐसा जरूरी नहीं है, इफ यू वॉन्ट आप क्यू को स्किप कर सकते हो, चलेगा चलेगा, बट गाइस इन कमिंग अप डेज, शायद एक दो दिन बाद, जैसे ही हम लोग इस लिस्ट को और सेट को खत्म कर चुके होंगे गाइस, लिस्ट और सेट का जस्ट हमने डिस्कशन किया है गाइस, इस लिस्ट और सेट के जो मेथड्स है इनको अभी हमें डिस्कस करना बाकी है। जब हमारा लिस्ट और सेट खत्म हो जाएगा, आई गिव यू सिंपल सा आइडिया, फंडामेंटल आइडिया अबाउट क्यू, थोड़ा सा ही डिस्कशन करूंगा गाइस, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, जितना आपको समझेगा उतना आप समझ लेना, नहीं समझा तो स्किप कर देना, दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ओके, क्लियर एवरीवन, कोई डाउट टिल हियर गाइस, डू वी हैव एनी डाउट?